मेहमानों की आमद कितनी देर में शुरू होगी, कितनी देर में जो डेलीगेट्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल हुरेरा, अब से कुछ देर बाद ही जो श्रीनगर एयरपोर्ट पे मेहमानों का जो उनकी परवाज है वो लैंड करेगी। हालांकि जैसे आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी की, इस आईजी रोड के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी मौजूद है। हालांकि अभी एहतियाती तौर पर किसी को भी इस रोड पर रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गाड़ी अगर कहीं पे रुक रही है उनको निकाला जा रहा है क्योंकि मेहमान बहुत जल्द यहाँ पे हो गए और ट्रैफिक की नकल हमल को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए गए। सिक्योरिटी के आला एहलकार यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आला एहलकार पहुंचे हैं उनका वेलकम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से वो सीधे जहाँ पे मंच है वहां पर जाएंगे, जहाँ पे आपने कहा कि कल्चरल प्रोग्राम के जरिए से उनका वेलकम किया जाएगा। और यहाँ पर हम फिर से आपको हुरेरा ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये आईजी रोड है, आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से, हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन साइड में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी में कोई कमी ना रहे। और यहाँ पर जैसे आपको पता है पहले ही सीसीटीवी कैमरेज भी नस्ब किए गए थे सिक्योरिटी एजेंसी के अलावा, तो ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं रही। जैसे मैंने आपको कहा हुरेरा, जैसे जैसे जो ये काफिला है वो करीब आ रहा है, जैसे उनका वक्त हो रहा है वो यहाँ पर लैंड कुछ ही देर में करेंगे और इसी रोड से वो होके मंच की तरफ जाएंगे, तो इसीलिए अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो ट्रैफिक की नकल हमर है उसको कुछ हद तक कम किया है। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि रुकने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि जब वो मेहमान आएंगे मोटर कैड, क्योंकि हमने आपको कल भी दिया था 50 से 60 गाड़ियां वो है, उनको चलने की जो राह है वो खुली रखने की कोशिश की जा रही है लगातार, क्योंकि 10:30 के करीब बताया जा रहा है कि परवाज लैंड कर सकती है लेकिन अभी कोई भी तस्दीक नहीं हो रही। लेकिन कुछ देर में ही जिस तरह से तैयारियां हम यहां पर देख रहे हो रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी अब चौकस हो गई है, तो ये यकीनी है कि कुछ देर बाद ही जो मेहमान है वो यहाँ लैंड करेंगे और इस रास्ते से वो मंच की ओर बढ़ेंगे। जी हुरेरा, बिल्कुल आबिद, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब मेहमान आना शुरू होंगे तो एक खास अंदाज में उनका वेलकम किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, तो एयरपोर्ट पे किस तरह से वेलकम को लेकर तैयारियां की गई हैं, और इसके अलावा जिस रास्ते से मेहमान आईजी रोड से होते हुए एसके आईसीसी पहुंचेंगे तो रास्ते में किस तरह से वेलकम किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की गई है मेहमानों के शानदार वेलकम को लेकर? बिल्कुल हुरेरा, जैसे मैंने आपको कहा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आला ओहदेदार वहां पे पहुंचे हैं, वो उनका खैर मकदम करेंगे। हालांकि वहां पे भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा छोटा सा एक मंच सजाया गया है जहां पर वो मेहमान आएंगे, जहां पर उनका वेलकम होगा। उसके बाद जिस तरह से आपने कहा जहां पर मेन मंच है ये, जैसे यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसी कल्चरल प्रोग्राम के जरिए इन मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। हालांकि आप देखिए अभी क्योंकि तैयारियां चल रही है यहाँ पर, आप देखिए मतलब लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस रोड के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इस रोड के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि कश्मीर जाना ही जाता है दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी के लिए। जैसे आपको पता है इन मेहमानों के लिए मुख्तलिफ किस्म के पकवान भी तैयार किए गए हैं, कश्मीरी भोजन तैयार किया गया है, और इसके बाद जैसे सब की निगाह इस पर है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट्स का फ्लो हुआ और ये जो मीटिंग होगी टूरिज्म ग्रुप की ही, तो सयाह से वाबस्ता जो लोग हैं उनको काफी उम्मीदें हैं इस आज की मीटिंग से। वही जो यहाँ के आर्टिजन है, क्योंकि वहां पर कई सारे जो कश्मीरी सकाफती चीजें हैं बिल्कुल वो शोकेस की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दुनिया बिल्कुल आबिद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अब से कुछ देर में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डेलीगेट्स के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फ्लाइट आना शुरू हो जाएंगी, क्या कुछ आज का शेड्यूल रहेगा, किस तरह की मीटिंग होनी है? टूरिज्म आज की मीटिंग पर एक तरह से फोकस होगा टूरिज्म पर, लेकिन जो मीटिंग का शेड्यूल है वो किस तरह से तय किया गया है? बिल्कुल हुरेरा, क्योंकि अभी जो ये मेहमान है 10:30 के करीब ही या उसके बाद ही ये यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, उसके बाद ये जाएंगे टूरिज्म, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद ही जो मीटिंग है उसका सिलसिला शुरू होगा। हुरेरा,
तो जैसे ही ये डेलीगेट्स आएंगे उसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। अभी तो एक चीज और जो बहुत खास इस बार देखने को मिल रही है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स होगा, लेकिन ट्रैफिक में किसी तरह का रद्दबदल नहीं किया गया। जैसा कि इससे पहले भी आप बता रहे थे कि जिस तरह से आम दिनों में जो ट्रैफिक चलता है सेम वैसे ट्रैफिक चलता रहेगा, और G20 के जो डेलीगेट्स आएंगे वो भी इसी IG रोड से उन्हें भी गुजरना है, तो एक तरह से इंतजामिया का ये पूरा फोकस है कि आम लोगों को वीवीआईपी मूवमेंट से कोई परेशानी ना होने पाए। बिल्कुल हुरेरा, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले मामूल के मुताबिक ये तस्वीरें आप देखिए, मामूल के मुताबिक जो गाड़ियां है वो चल रही है। हालांकि इस ट्रैफिक को कम करने के लिए, क्योंकि काफी बिजी रोड है ये, इस पर कम करने के लिए कुछ मकाम पर डायवर्जन भी किया गया है, डायवर्जन रूट्स तैयार किए गए हैं। हालांकि कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि वो रूट्स खोल दिए गए हैं ताकि इस रोड पर काफी ट्रैफिक चल रहा था। आप अभी देखिए इस रोड पर अभी इतना ट्रैफिक है, इसी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक को कम करने के लिए हालांकि डायवर्जन रूट्स तैयार किए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप देखिए इस रास्ते पर आराम से ट्रैफिक प्ले कर रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ये कम किया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगी, तो किसी भी तरह का कोई भी जाम न लगे इस वजह से जो डायवर्जन रूट्स इन्होंने पहले ही मुख्तस किए थे वो अब अपडेट हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है श्रीनगर पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, वहां पे भी मुख्तलिफ रूट्स पर जो लोग हैं उनको चलने की गुजारिश की गई थी, उसी तरह से जो ये बड़गाम का ट्रैफिक यहां से आता है उनके लिए भी अलग से रूट्स तैयार किए गए थे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था क्योंकि ट्रैफिक अच्छी तरह से चल रहा था, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे ट्रैफिक बंद है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसे कम किया गया है और आधा ट्रैफिक जो है वो उन डायवर्जन रूट्स पे चल रहे हैं। अब देखिए ये लोकल यहाँ पर सोमो है, यहाँ पर लोकल पैसेंजर्स में ट्रैवल कर रहे हैं और इनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जो बेशतर ट्रैफिक है उसको दूसरे रूट से जो है फुरेरा वो डाइवर्ट किया गया है अब कुछ देर पहले। तो बिल्कुल अब यानी आबिद सिर्फ मेहमानों के आने का इंतजार है, तमाम तैयारियां एक तरह से मुकम्मल हो गई हैं, वेलकम और शानदार वेलकम करने के लिए इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। आबिद कहा जा रहा है कि पूरे श्रीनगर को दुल्हन की तरह से सजाया गया, खासतौर से SKICC के आसपास और डल झील के आसपास का जो इलाका है उसे बहुत खास तरीके से एक तरह से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है, जगह जगह होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जिस पर इस्तकबालिया अल्फाज भी लिखे गए हैं। किस तरह का नजारा है, आम दिनों से कितना अलग लग रहा है शहर आज? बिल्कुल हुरेरा, जैसे आपने श्रीनगर की तस्वीरें आपने देखी, हम आपको IG रोड की ब्यूटिफिकेशन की तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए हुरेरा, ये यहाँ के फुटपाथ से इनको भी रेनोवेट किया गया है, इनको भी ब्यूटिफाई किया गया है, दोनों तरफ से जो डाइवर्जेंस है इनको भी नई तरीके से सजाया गया है, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं इनको भी सजाया गया है। क्योंकि श्रीनगर की आपने तस्वीरें देखी और ये IG रोड आपको डिफरेंटली नया लग रहा होगा, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ मकाम पर होर्डिंग्स लगी है, इस्तकबालिया पैगाम लगे हैं, PM नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स खास तौर पर मुख्तलिफ मकाम पर लगी है, क्योंकि मेहमानों का इस्तकबाल मुख्तलिफ अंदाज में किया जा रहा है। आप देखिए ये होर्डिंग यहाँ पर एक लगी है और किस तरह से इसी तरह की मुख्तलिफ होर्डिंग्स इस IG रोड पर लगी है और मुख्तलिफ अंदाज में जो मेहमान है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आप बात कर रहे थे ब्यूटिफिकेशन की और ये आपको ये IG रोड लग रहा होगा काफी मुख्तलिफ है, ये इसको काफी डिफरेंट तरीके से इस रोड को भी सजाया गया है, हालांकि ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा गया है, जो आसपास के पेड़ पौधे थे उनको भी मुख्तलिफ अंदाज में जो है हुरेरा वो सजाया गया है। जी बिल्कुल आबिद, कहा जा रहा है कि ये डेलीगेट्स जब आ जाएंगे, मेहमान जब आ जाएंगे मीटिंग के बाद, इन्हें श्रीनगर का तारीखी जो पोलो विव मार्केट है वहां पर भी ये मेहमान जाएंगे और वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, मार्केट का जायजा ले सकते हैं, एक नए तरीके से इस पूरे मार्केट को सजाया गया है स्मार्ट सिटी के तहत। तो किस तरह से पोलो विव मार्केट की तैयारियां हैं और जो डेलीगेट्स जाएंगे इनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल हुरेरा, क्योंकि जब पोलो वे मार्केट की जो तस्वीर नई तस्वीर सामने आई थी उसके बाद से वो यहाँ के लोगों के लिए एक नया पिकनिक स्पॉट बन गया है, क्योंकि लोग शाम को सैर तफरी के लिए जाते थे और जो वहाँ पे दुकानदार है वो भी खुश है
क्योंकि अब उनका मार्केट भी चलेगा। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो ये डेलीगेशन है, जो ये मेहमान है, वो उस अपोलो मार्केट जा सकते हैं और वहां पर वो उन दुकानों का भी जायजा लेंगे, क्योंकि वो दुकान और वहां पे काफी सारे जो कश्मीरी सकाफती चीज है, कश्मीरी कल्चरल चीज है, कश्मीरी हैंडलूम है या कश्मीरी शाल खासकर वहां पे वो बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये मेहमान आएंगे वहां पर जाएंगे तो यकीनन वो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। और जब वो खरीदारी करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों से ये मेहमान आए हैं और मुख्तलिफ मुल्कों पे की तरफ जो यहाँ की चीजें हैं वो जाएंगे और कहीं ना कहीं फरोग मिलेगा यहाँ के जो जो कल्चर है, यहाँ का जो सकाफत है, उसको कहीं ना कहीं फरोग मिलेगा और जिससे लोग भी काफी खुश है और लोग भी इस जो टूरिज्म की मीटिंग हो रही है काफी पुरुमीद है, क्योंकि जैसे आपने देखा कोविड के बाद काफी हद तक जो यहाँ का सयाह था वो मुतासिर हुआ था, लेकिन इस मरतबा जिस तरह से हमने देखा काफी सारे जो सयाह है वो आए हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो एक नंबर आया था सामने, जो 2022 में तकरीबन 18 मिलियन के करीब जो सयाह है वो कश्मीर आए थे, और इस मरतबा भी जिस तरह से इस साल भी आपने देखा होगा भारी तादाद में जो ये टूरिस्ट है वो यहाँ का, उन्होंने यहाँ का रुख किया और सयाहत से जो वाबस्ता लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस इसी बीच जो ये मीटिंग है उनकी जो खुशी है वो दुगनी हो रही है, उनकी उम्मीदें मजीद बढ़ गई है और उनको लग रहा है बिल्कुल, यानी जो मकामी लोग हैं उनको भी काफी उम्मीदें हैं इस बैठक से, और यही वजह है कि लोगों में काफी एक खुशी देखने को मिल रही है, लोग काफी पुरउम्मीद हैं इस मीटिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर आबिद बनाए रखें, दोबारा से आपके पास आएंगे और आज की इस बैठक पर और भी बातचीत करेंगे और अपडेट लेते रहेंगे।